हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में फोर्जिंग प्रोसेस पढ़ा था। फोर्जिंग प्रोसेस में आज अपन रोल फॉर्जिंग प्रोसेस आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो रोल फॉर्जिंग प्रोसेस में ये डायग्राम देखते हैं क्या है। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं ना। वेन द रोल्स आर इन द ओपन पोजिशन द हीटेड स्टॉक इज एडवांस्ड अप टू अ स्टॉप एज द रोल्स रोटेट द ग्रिप एंड रोल डाउन द स्टॉक। द स्टॉक इज ट्रांसफर्ड टू अ सेकेंड सेट ऑफ ग्रुप्स। रोल्स टर्न अगेन एंड सो ऑन अंटिल द पीस इज फिनिश्ड। तो इसका मतलब क्या है? रोल फोर्जिंग में अपन क्या होता है, अपना रोलर होता है जो रोल शाफ्ट पे रोलर पे अपना रोल डाई फिक्स रहता है, ठीक है। तो जो रोल डाई अपनी जिस शेप की होगी उसी शेप का जो अपना वर्क पीस है उस पर इम्पोज होगा। मतलब जिस तरह का अपन को शेप चाहिए उसी तरह की रोल डाई अपन यूज करेंगे। ये है अपना वर्क पीस या स्टॉक, इसको बोलते हैं। तो अपन क्या करेंगे, वर्क पीस को जब दोनों डाइयों के बीच में रखेंगे तो डाई रोटेट करेंगी तो अपना जो रोलर का ये जो शेप है ये अपने वर्क पीस को क्या करेगा, प्रेस करेगा, ठीक है। जब अपना रोलर इसको रोटेट करेगा तो, ठीक है। तो अपन को इस तरह का ये अपना रोलर का शेप है तो इस तरह का ये अपन को फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ये प्रोसेस अपन बार बार जब तक करेंगे जब तक अपना जो पीस है वो फिनिश हो जाए, मतलब जिस तरह का शेप अपन को चाहिए वो मिल जाए, ठीक है। तो ये अपना रोल फोर्जिंग। रोल फोर्जिंग से अपन किस तरह के मतलब जो पार्ट्स हैं जिनको फोर्ज करते हैं, तो इसमें क्या है, कोई भी जैसे पतले पार्ट्स हैं, टेपर्ड पार्ट हैं या सिलेंड्रिकल पार्ट हैं, उनको अपन फोर्ज करते हैं। तो इसमें जैसे अपनी कौन सी है, लीफ स्प्रिंग है। लीफ स्प्रिंग आप जानते हो किस तरह की शेप होती है, ये होती है अपनी लीफ स्प्रिंग, इस टाइप की होती है, ठीक है। बोलते हैं लीफ स्प्रिंग, ठीक है। तो लीफ स्प्रिंग को अपन जो है रोल फोर्जिंग से फोर्ज करते हैं, मतलब इस तरह का शेप अपन देते हैं, ठीक है। तो ये अपनी इसके कुछ यूज हैं, ठीक है। तो रोल फोर्जिंग हो गया, अब अपन स्टार्ट करेंगे रोलिंग। अब मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में अपन नया टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है रोलिंग। तो रोलिंग इज अ टाइप ऑफ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो रोलिंग में अपन क्या करेंगे, दो सिलेंड्रिकल रोल्स के बीच में अपन किसी भी जो सीट है उसकी उसको मतलब उसकी जो थिकनेस है उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होगी। डेफिनेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्लास्टिकली डिफॉर्मिंग मेटल बाई पासिंग इट बिटवीन रोल्स।
इसका क्या मतलब है कि जो अपनी मेटल है उसको दो रोलरों के बीच में अपन पास करेंगे। पास करने से क्या है, उस पर जो कंप्रेसिव फोर्स लगेगा उसकी वजह से जो थिकनेस है मेटल की उसको रिड्यूस करेंगे, उसको प्लास्टिकली डिफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये है रोलिंग की डेफिनेशन। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं क्या है ये। इट इज मोस्ट वाइडली यूज इन इसमें क्या होता है, हाई प्रोडक्शन एंड क्लोज टॉलरेंस। जो टॉलरेंस है वो भी अपन इसको इसमें काफी क्लोज मिलता है। और इसमें ये फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन बिटवीन जब मेटल शीट एंड रोल्स, तो उसकी वजह से अपना क्या है इसमें स्ट्रेस आता है। ठीक है, शियर स्ट्रेस, फ्रिक्शन बिटवीन द रोल्स एंड द मेटल सरफेस प्रोड्यूसेस हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं रोलिंग प्रोसेस एक्चुअली है क्या। तो रोलिंग प्रोसेस का सबसे पहले डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि रोलिंग प्रोसेस एक्चुअली होता कैसे है। डायग्राम बनाने में टाइम लग रहा है, आप भी बना लीजिए साथ साथ। डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये है अपनी सबसे पहली स्ट्रिप और प्लेट। ये अपना क्या है, ये एक तरह से अपना वर्क पीस है। ठीक है, ये अपना अपर रोलर, ये है लोअर रोलर। ठीक है, तो अपन इसमें समझते हैं क्या करेंगे। ये अपनी ये स्ट्रिप या प्लेट है, इसको अपन दो रोलरों के बीच में से पास कराएंगे। तो इस पे क्या है, जो अपना कंप्रेसिव फोर्स लगेगा दोनों अपर एंड रोलर की वजह से, अपर एंड लोअर रोलर की वजह से कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। तो जो अपनी सीट की जो थिकनेस है, यहाँ पे क्या है T1 थिकनेस है। ठीक है, यहाँ पे लेट इट बी इट टू T2 थिकनेस। ठीक है, तो अपना जो T1 है वो बड़ा होगा T2 से, जो थिकनेस अपन इसमें रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अब विद ठीक है, तो सबसे पहले अभी तो इसमें यही समझते हैं कि मतलब रोलर एक रोलिंग प्रोसेस क्या है। इसमें अपन कोई भी प्लेट या स्ट्रिप है उसकी अपन थिकनेस को कम करेंगे, इसको दो रोलरों के बीच में पास करा के। ठीक है, तो ये अपना रोलिंग प्रोसेस। अब अपन पढ़ेंगे द चेंज इन ग्रेन स्ट्रक्चर इन हॉट रोलिंग। जनरली अपन रोलिंग हॉट रोलिंग ही प्रोसेस करते हैं, मतलब ये स्ट्रिप या वर्क पीस है इसको पहले प्री हीट किया जाता है। ठीक है, जब तक मेंशन ना हो जब तक अपन इसको हॉट रोलिंग ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इसके ग्रेन्स में किस तरह चेंज आते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक चेंज इन द ग्रेन्स स्ट्रक्चर इन हॉट रोलिंग। हॉट रोलिंग मीन्स जैसे अपने फोर्जिंग में पढ़ा था, व्हाट इज कोल्ड फोर्जिंग। कोल्ड फोर्जिंग जब अपन फोर्जिंग करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे, तो उसको बोलेंगे अपन कोल्ड फोर्जिंग। और हॉट फोर्जिंग किसको बोलेंगे, जब अपन फोर्जिंग करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से एबव, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर अपन फोर्जिंग करेंगे तो अपन उसको बोलेंगे हॉट फोर्जिंग। इसी तरह क्या है, हॉट रोलिंग कब बोलेंगे, जब अपन रोलिंग करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर, अगर टेम्परेचर जब अपन रोलिंग करेंगे तो उसको बोलेंगे
हॉट रोलिंग। कोल्ड रोलिंग कब बोलेंगे, जब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर अपन अगर रोलिंग करेंगे तो उसको बोलेंगे कोल्ड रोलिंग। ठीक है, तो ग्रेन्स में मतलब ग्रेन्स में चेंज कब आएगा, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर जब अपन रोलिंग करेंगे तभी तो फाइन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए अपन ग्रेन्स में चेंज देखते हैं कि हॉट रोलिंग में ग्रेन्स में किस तरह चेंज होते हैं। डायग्राम बना लेता हूँ इसका, आप भी बना लीजिए साथ साथ। ये अपने स्ट्रिप के ग्रेन्स जो कि काफी बड़े हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंप्रेस होके ये इलोंगेटेड हो जाएंगे, इलोंगेटेड ग्रेन्स। ठीक है, ये इस तरह इलोंगेटेड हो जाएंगे। अब इसका टेम्परेचर जो के रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर पे ऊपर कर रहे हैं हॉट रोलिंग, तो इसका क्या होगा, रिफाइंड होंगे ये ग्रेन्स, रिफाइंड होंगे मतलब ये फाइन हो जाएंगे, छोटे छोटे ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह, जो कि स्ट्रेन फ्री होंगे। यहाँ पे क्या है, इलोंगेटेड ग्रेन्स हैं लेकिन ये स्ट्रेन है, मतलब इनमें स्ट्रेस है जो कि अपनी कोल्ड वर्किंग में होती है जिस तरह से। अभी चूंकि इसका टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर है तो ये रिफाइन हो जाएंगे, काफ़ी फाइन ग्रेन बनेंगे जो कि स्ट्रेस फ्री होंगे और स्ट्रेन फ्री होंगे। स्ट्रेन फ्री की वजह से इसकी डक्टिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये अपना रॉट प्रोडक्ट। विद लार्ज ग्रेन्स, ये अपना रॉट प्रोडक्ट विद लार्ज ग्रेन्स जो कि अपना ना एक तरह से वर्क पीस है। ठीक है, ये क्या अपना रोलर है, ये रोलर है, ये भी रोलर है, ये रोलर हो गया अपना, तो एक तरह से ये है अपनी हॉट रोलिंग। अब ये देखिए इन ग्रेन्स को देखिए, ये कैसे ग्रेन्स हैं, ये इस तरह रोटेट करेंगे रोलर अपने, न्यू ग्रेन्स ग्रोविंग। तो अपना ये एरिया जो है इसमें अपना हुआ है रिक्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट, ये पूरा प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक ये है रिक्रिस्टलाइजेशन, तो यहाँ पे अपना रिक्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट हुआ है, रिक्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट। ठीक है, तो ये अपना चेंज इन ग्रेन स्ट्रक्चर इन हॉट रोलिंग, तो एक बार दोबारा से समझते हैं उसमें क्या है, ये अपना रॉट प्रोडक्ट है विद लार्जर ग्रेन, लार्जर लार्जर ग्रेन्स हैं जिसके, तो अब अपन इसको क्या करेंगे, अब रोलरों के थ्रू कंप्रेस करेंगे, जब अपन कंप्रेस करेंगे तो जो लार्जर ग्रेन्स हैं वो डिफॉर्म होंगे इलोंगेटेड ग्रेन्स में, मतलब जो अपने ग्रेन्स हैं वो इस तरह से इलोंगेटेड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाया है रोलरों के थ्रू,
अब क्या होगा, अपने इलोंगेटेड हो गए ग्लैंड्स, तो अब जैसे कि टेम्परेचर अपना रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर है, तो जो अपने ग्रेन्स हैं वो धीरे धीरे न्यू ग्रेन्स फॉर्म होंगे, ठीक है। जो न्यू ग्रेन्स फॉर्म होंगे उसके बाद जो न्यू ग्रेन्स फॉर्म है वो न्यू ग्रेन्स हैं वो ग्रो करेंगे। उसके बाद क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऊपर की वजह से जो अपने ग्रेन्स हैं वो फाइन हो जाएंगे, मतलब छोटे छोटे स्ट्रेन फ्री ग्रेन्स बनेंगे। स्ट्रेन फ्री ग्रेन्स बनेंगे मतलब ग्रेन्स काफ़ी फाइन हो जाएंगे, स्मॉल और यूनिफॉर्म ग्रेन्स बनेंगे। जब स्मॉल और यूनिफॉर्म ग्रेन्स अपने पूरे बन जाए तो तब अपना रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब कंप्लीट हो गया। तो जिस कंप्लीट प्रोसेस को अपन एक तरह से रिक्रिस्टलाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है जो अपना रोलिंग में ग्रेन्स में किस तरह से चेंज आता है ये अपन को देखना है, ठीक है। तो अपन ये समझ चुके हैं, अब अपन आगे आगे की क्लास में पढ़ेंगे हॉट रोलिंग में क्या क्या है, कौन कौन से पोर्ट्स लगते हैं। ओके, एक और चीज़ इसमें देख लेते हैं, दो तीन बातें हैं। तो हॉट रोलिंग ऑब्वियसली रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर किया जाएगा, देन अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा इसमें क्या है कि इसमें अपने लास्ट में बिल्कुल फाइन और यूनिफॉर्म ग्रेन्स बनेंगे, रिजल्ट्स फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड क्या है अपना, सरफेस क्वालिटी एंड फाइनल डायमेंशन आर लेस एक्यूरेट, सरफेस क्वालिटी एंड फाइनल डायमेंशंस आर लेस एक्यूरेट। इसका क्या मतलब है, मतलब सरफेस अपनी क्वालिटी और डायमेंशंस लेस एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि तो जब हाई टेम्परेचर पर अपन इसको रोलिंग करेंगे तो जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है उसकी उससे रिएक्शन करके अपना जो मेटल है मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा तो जो अपना मेटल का सरफेस है वो काफ़ी ख़राब हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड उसकी मेटल ऑक्साइड की यहाँ पे लेयर बन जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से अपना सरफेस क्वालिटी भी ख़राब होगा और डायमेंशंस भी एक्यूरेट नहीं रहेंगे, ठीक है। और ये रोलिंग का प्रोसेस अपन एग्नॉट्स को ब्लूम्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, इंगोट्स को ब्लूम्स में, ठीक है। तो इग्नोट्स से अपन ब्लूम बनाने के लिए इस रोलिंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे आगे। थैंक यू।